प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको करा चुके हैं। ज़रा आप ध्यान दें, हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपका बहुपद पार्ट से लिया गया है, जो अलजबरा या बीजगणित से संबंधित है या रिलेटेड है। ज़रा आप ध्यान दें, क्वेश्चन आपका क्या है, शून्य अंकों का योगफल। ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर ये आपका शॉर्टकट में लिखा हुआ है और ये आपका क्या है, योगफल है, तथा गुणनफल क्रमशः क्या हैं आपके, 4.6 हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो, देखिए अल्फा बराबर क्या है आपका 4, बीटा बराबर क्या है आपका 6। ये आपके आंसर या सलूशन में है जो भी दे रखा है, पहला वाला आपका अल्फा, दूसरा वाला आपका बीटा। अब आप देखिए योगफल के लिए कह रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जाएगा आपका 6। गुणनफल कह रहे हैं तो दोनों की गुणा कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा बराबर 6 × 24, दोनों की गुणा कर दी। अब आप देखिए जो आपका सूत्र है या फार्मूला है, द्विघात बहुपद आपका क्या है, देखिए जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो आपकी ब्रैकेट में है, गुणा में आपके एक्स है, प्लस आपका अल्फा बीटा। अब जरा आप ध्यान दें, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, देखिए ये है, आगे आप देखिए प्लस अल्फा बीटा, ये वाला मान हम निकाल चुके हैं। ये दोनों मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, अपने फार्मूले या सूत्र में। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है, 10, 10 एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा क्या है आपका 24, 24 हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान दें, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुपद, पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है आपसे, बहुपद पूछा गया है, द्विघात तो बहुपद ज्ञात कीजिए, आपसे क्या पूछा गया है, बहुपद पूछा गया है, तो वही आपका ये द्विघात बहुपद है। जरा आप ध्यान दें, क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, क्या निकल के आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, यही आपका बहुपद है या द्विघात बहुपद है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।